आज मैं जा रही हूँ तो मुझे वीडियो कॉल करेगी? है ना, वीडियो कॉल करेंगे ना? वीडियो को पकड़ना कैसी करती है? मैं क्या आता नहीं। मामू क्या खाए? मामू शर्म आए? मामू ऑल सेट टू गो, बैग इज रेडी, ये बैग भी रेडी एंड ये बैग भी रेडी। तुम कहाँ जा रही हो? तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल खट्टे मीठे तजुर्बे। तो आज मैं लेने जा रही हूँ कुछ और नए तजुर्बे ज़िंदगी के। सो अभी मैं निकल चुकी हूँ बैंगलोर से और बहुत तेज़ बारिश हो रही है, मोटी मोटी बूंदें पड़ रही हैं। तो आई होप कहीं मुझे जाम ना मिले और मैं टाइम पे पहुँच जाऊँ। वैसे तो मेरे पास काफ़ी बफर टाइम है, तो चलिए देखते हैं कैसे रहते हैं यहाँ के तजुर्बे। तो हम पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट और मुझे ढूंढना है एमिरेट्स का काउंटर, तो अभी ढूंढते हैं। और ज़्यादा भीड़ नहीं है आज, तो काफ़ी खाली खाली है, तो रश नहीं है, आराम से सारी चीज़ें हो जाएंगी आई होप। लास्ट टाइम मुझे बहुत रश मिला था। एंड हियर इज़ माई काउंटर। तो मेरा चेक इन वगैरह सब कुछ हो चुका है, फटाफट हो गया, बिल्कुल सब कुछ खाली था तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और अब मैं वेट कर रही हूँ अपने कलीग का, और आप देख सकते हो आज कितना खाली सा हो रहा है। तो इस बार मैंने सामान ज़्यादा नहीं रखा, तो मेरे को ज़्यादा परेशानी नहीं हुई कुछ भी करने में, क्योंकि एक एक्सपीरियंस हो गया है मेरे को ऑलरेडी। तो तब तक ऐसे थोड़ा सा घूम लेते हैं। और ये है हमारे इंडियन एयरपोर्ट की बैंगलोर की कस्टम शॉप्स। तो ये है बैंगलोर का इंटरनेशनल लाउंज एयरपोर्ट का। आप देखते हैं कि हमारा क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट होता है या नहीं होता है। फाइनली हमारा क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट हो गया यहाँ पे एंड वी आर इन ऑलरेडी। तो करते हैं कुछ पेट पूजा यहाँ पर, क्योंकि बोर्डिंग के लिए अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है। तो जिनको नहीं पता है, लाउंज में बेसिकली ये एयरपोर्ट में फैसिलिटीज़ होती है, आई मीन यहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हो, लंच कर सकते हो, डिनर, जो भी आपको करना है। बट यहाँ पे एंट्री सिर्फ आपकी जो फ्लाइट बोर्डिंग टाइम होता है उससे तीन घंटे का टाइम होना चाहिए, तभी आपको एंट्री मिलेगी। अगर आप 4 घंटे पहले आ गए तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी यहाँ पे। और आपको बोर्डिंग पास दिखाने होते हैं यहाँ पे एंट्री करने के लिए। और हाँ, लाउंज फैसिलिटी पेड भी होती है, आप पैसे देके भी आ सकते हो। बट हाँ, मतलब जैसे बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स एंड समटाइम इन डेबिट कार्ड ऑल्सो ये फैसिलिटी प्रोवाइडेड होती है। तो जैसे मेरे तो क्रेडिट कार्ड भी है, डेबिट कार्ड में भी है। तो जब भी आप क्रेडिट डेबिट कार्ड ले रहे हो और आप फ्रीक्वेंट फ्लायर हो तो आप ले सकते हो ये फैसिलिटी। तो ये है मेरा भोजन कुछ स्टार्टिंग के लिए। अच्छा, तो अगर आपके पास कार्ड एक्सेस है तो आपके सिर्फ 2 रुपये लगेंगे, और कुछ कार्ड्स में 25 रुपये भी लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगते हैं अगर आपके पास कार्ड एक्सेस है, लाउंज एक्सेस है। तो कुछ स्टार्टर लेने के बाद मैंने लिया ये सब, क्योंकि और कुछ था नहीं ऑप्शन। उसके बाद लस्सी, दैट्स इट, और थोड़ा सा खीर। और हमने फ्लाइट बोर्ड कर ली है और हमारा दुबई में ले ओवर है, तो चलिए। तो ये है स्क्रीन, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी दिखाया था इंटरनेशनल फ्लाइट्स में, आपको सारे मतलब स्क्रीन से आपको सारी जानकारी देते रहते हैं कि कहाँ पहुँचे हैं, क्या टाइम है, करंट टाइम क्या है, कितना माइल्स जाना है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन में दिखती है। और हम पहुँच गए हैं दुबई एयरपोर्ट, और दुबई एयरपोर्ट बहुत बड़ा है यार। वैसे तो अपना दिल्ली एयरपोर्ट भी बहुत बड़ा है, बट ये भी काफ़ी बड़ा है। और जैसा कि सबको पता है कि दुबई तो गोल्ड के लिए बहुत फेमस है, तो ये है गोल्ड शॉप, और क्या मस्त यहाँ पे डेकोरेशन कर रखी है देखो। तो दुबई तो है ही गोल्ड का पूरा व्यापार, और बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं, बट वो भी इनके कुछ रूल्स होते हैं। आप 24 कैरेट गोल्ड नहीं ले जा सकते, आपको कस्टम में फिर ड्यूटी देनी पड़ती है। आप 24 से नीचे जो भी कैरेट है वो आप कैरी कर सकते हो, वो भी एक लिमिटेड अमाउंट में। तो ऐसे ऐसे कुछ तो रूल्स हैं, तो हम सोचे हम जाते टाइम कुछ देखेंगे अगर सही लगेगा तो। तो अभी हम जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट फ्लाइट बोर्ड करने के लिए।
और यहाँ पे आपको अंदर ही अंदर एक गेट से दूसरे गेट में जाने के लिए प्रॉपर व्हीकल्स लगे हुए हैं, क्योंकि काफ़ी दूर है, डिस्टेंस काफ़ी है, तो इसलिए हमने सोचा कि व्हीकल पे जाया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चल चुके हैं, 20 मिनट वॉक हम ऑलरेडी कर चुके हैं और अभी टाइम रात का कुछ तो 2:30 बज रहा है। और आप रश देखो, और बहुत ज़्यादा रश है इस एयरपोर्ट में, बैठने की जगह नहीं है मतलब। और अब हमने दुबई टू बार्सिलोना की फ़्लाइट भी बोर्ड कर ली है और अभी लोग आए नहीं है, तो हम सबसे पहले बैठने वाले लोग हैं फ़्लाइट में, सारी सीट्स खाली हैं अभी। और ये मिला है एक ब्लैंकेट यहाँ पे और हेडफोन्स, अगर आपको मूवी वगैरह कुछ देखनी है, न्यूज़ देखनी है तो। और वैसे इस ब्लैंकेट से कुछ होता नहीं है, तो मैंने तो अपने साथ एक जैकेट भी रखी है जो बहुत ज़रूरी है। और ये आप देख सकते हो हल्की हल्की सुबह हो गई है और मेरी तो आयल सेंटर वाली सीट से हैं, बट मैं थोड़ा सा जूम करके देख पा रही हूँ, सनराइज़ हो रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। और विंडो सीट से शायद इस टाइम पर बहुत सुंदर नज़ारा दिखेगा, बट मैं इंटेंशनली विंडो सीट नहीं लेती हूँ क्योंकि उठने में दिक्कत होती है बार बार। आप देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ से देखने में। और ये स्क्रीन पे शो हो रहा है कि हमने अरब कंट्रीज तो क्रॉस कर लिए, कहीं तो हम मंडरा रहे हैं आसपास। तो अभी हमारा खाना भी आ चुका है फ्लाइट में, तो लास्ट टाइम जब मैं गई थी जर्मनी उस टाइम पे लुफ्तांजा थी, इस बार एमिरेट्स है, और दोनों में कंपैरिजन करूँ तो मुझे लुफ्तांजा बेटर लगी। मैं इकोनॉमी क्लास की बात कर रही हूँ, बस एमिरेट्स में ये है कि आप अपनी सीट्स वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो, बाकी ठीक है। एंड देखो मैप शो कर रहा है कि कहाँ पे अभी उजाला हो रहा है, कहाँ पे अंधेरा हो रहा है, तो यूएस साइड सारा अभी अंधेरा हो रहा है और यहाँ सुबह होने वाली है, और सुबह हो चुकी है। तो हम मेडिटेरियन सी के ऊपर हैं, फ़्लाइट में लोग मूवीज़ देखते हैं, बाकी कुछ देखते हैं, मैं यही देखती रहती हूँ मैप्स। यहाँ पे मैंने एक्सपीरियंस गेन किया, एक तजुर्बा मेरा, कि जैसे हम लोग मेडिटेरियन सी के बिल्कुल ऊपर थे, मतलब जो बार्सिलोना में ही है बिल्कुल, मतलब लगा हुआ है उस, तो एक बार पायलट ना फ्लाइट को इतना नीचे ले आया कि ऐसा लग रहा था कि वो ना बिल्कुल मैं यहीं पे लैंड करेगा फ्लाइट को, फिर बिल्कुल नीचे लाके अचानक से उसने ऊपर कर लिया, मतलब इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, बहुत अलग ही तजुर्बा था, मतलब पता नहीं वो क्या करना चाह रहा था। हाँ, तो अभी देखो हम जैसे घूम रहे हैं मेडिटेरियन सी के ऊपर ही है बिल्कुल जस्ट। तो फाइनली हमारी लैंडिंग हो गई है और सी बिल्कुल पास में है एयरपोर्ट के यहाँ पे, और अब हम जा रहे हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर। तो अब हम करते हैं थोड़ा बैगेज कलेक्शन वगैरह, और ये थी मेरी जर्नी फ्रॉम बेंगलोर टू स्पेन। ज़रूर बताइएगा आपको कैसे लगी, और बार्सिलोना विजिट करते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।